एक महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के तीर पर करहान नामक एक गांव है, वहां एक ब्राह्मण रहते थे। उनके घर में केवल चार लोग थे, वो ब्राह्मण और उस ब्राह्मण की ब्राह्मणी और उसका पुत्र और उसकी पुत्र वधु बड़ी ही साध्वी और बड़ी ही भक्ता थी। पुत्र वधु का जो नाम था वो सखुबाई था, पुत्र वधु का नाम सखुबाई था। और जो सास थी और जो ससुर थे और जो पति थे, ये तीनों एक ही राशि के थे, दूसरे शब्दों में धुंधकारी थे, जितना उपद्रव करे उतने ही कम। और पूर्ण सती साध्वी सखुबाई बचपन से संत महात्माओं का संग करके निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय रहने वाली। अब प्रारब्ध होता है, भगवान की ऐसी लीला होती है जैसे गाय जो है कसाई के चक्कर में फंस जाए, ऐसे वो साध्वी सखुबाई का ब्याह ऐसे परिवार में हुआ जहां ससुर भी दुष्ट स्वभाव वाला और सास जब तक सखुबाई के दो चार थप्पड़ लगा के बाल खींच के सैकड़ों गालियां ना दे दे तो उसको राजभोग पचता नहीं था, और रात्रि में जब तक पैर दबवा के दो चार गालियां दे के एक दो लात न जमा दे तब तक सहन नहीं होता था, ऐसा उसका स्वभाव था। देखो ये भक्त का जीवन है, लेकिन कभी सखुबाई ने कभी किसी के पास जाके या पड़ोस में कभी किसी से नहीं बोला। अगर पति के सामने आंसू बहा के कुछ बोलने का अवसर भी मिले और अगर कभी एक बोले तो पति उल्टा और चार थप्पड़ मारे गालियां दे, क्योंकि जैसे माँ जैसे पिता वैसे ही वो बेटा। सखुबाई को बहुत कष्ट दिया जाता, लेकिन बलिहारी सखुबाई की भक्ति की कि एक क्षण के लिए भी कभी वो भगवत विस्मरण नहीं होने देती। ये देखो, और कभी ये नहीं कि सास से द्वेष करे, पति से द्वेष करे या ससुर से द्वेष करे, कभी ऐसा नहीं। जो उपासक प्रेम रस को प्राप्त करना चाहता है, भगवत साक्षात्कार करना चाहता है, इन भक्तों से शिक्षा ले, उसी घर में रह के और सब कार्य, ससुर स्नान करेगा तो पानी सखुबाई को भरना है, उसके कपड़े सखुबाई को धोने हैं, सास के कपड़े धोने हैं, पति के कपड़े धोने हैं, सबको भोजन बनाना, सबके बर्तन में, और बाद में जो जूठन बचे वो खाने को देना। और जब सखुबाई भगवत स्मरण करते प्रसाद पावे तो सासू बैठ के जैसे लोरिया सुनाई जैसे गालियां सुनावे। सोचो कैसा जीवन उस महान भक्ता का, कितना क्लेश में जीवन, पर कभी कठोर वचन भी उसने सास से नहीं बोले। जो मान अपमान को, जो लाभ हानि को, जो जय पराजय को, सुख दुख को समान भाव से सहते हुए भगवत स्मरण करता है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। ये भक्ति का स्वरूप थोड़ा समझना है हमें। यदि हम अनुकूलता को भक्ति समझेंगे तो हमें भागना पड़ेगा, हमें महाअमृत पद से वंचित होना पड़ेगा, हमें ऐसे महासुंदर सिंधु प्रभु के दर्शन का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। हमें मान अपमान समान रूप से सहना है, लाभ हानि समान रूप से सहना है, सुख दुख समान रूप से सहना है, और हमें देखना है कि मान के समय अपमान के समय कहीं भगवत विस्मरण तो नहीं हो रहा, लाभ के समय या हानि के समय, दुख के समय या सुख के समय कहीं हम प्यारे को अपने भूल तो नहीं रहे हैं। हमें सदैव अपने प्यारे के स्मरण में रहना है। सखुबाई को पीटा जाता है, गालियां दी जाती है, क्लेशात्मक व्यवहार किया जाता है, लेकिन सखुबाई के हृदय में ऐसा विठ्ठल बसे हुए है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो अधिक दुष्टा अभिमानी कुटिला कठोर हृदय जो सास है, ऐसी परम भागवत परम दयालु श्री सखुबाई को प्रति क्षण क्लेश दे रही है, और तीनों एक से बढ़कर मनमानी क्लेश देते, शक्ति भर के जितनी ताकत है सखुबाई को सताते, उनको सताने में सुख मिलता, शरीर सूख रहा है सखुबाई का, फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते हैं, रूखा सूखा खाने को मिलता है, प्रतिक्षण डांट पिटाई, लेकिन हर समय श्री कृष्ण का चिंतन, यह है भक्ति का स्वरूप। और ऐसे ही भक्तों के जीवन में अद्भुत घटनाएं घटती है जिनका यश गान किया जाता है। प्रातः काल से लेके रात को सबके सो जाने के बाद तक सखुबाई के लिए घर का काम पड़ा रहता, मशीन की भांति बिना विश्राम के वो काम करती। सखुबाई का शरीर बहुत कृश होने लगा,
बिना आलस्य के, बिना थकावट के, कष्ट सहते हुए भी सबको सुख पहुंचाना, सबकी सेवा में मगन रहना और श्याम सुंदर त्रिभुवन मोहन लाल जी का अखंड ध्यान और जिभ्या से विठल विठल विठल, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद, ये सदैव नाम उच्चारण होना। घर के काम काज को ऐसा नहीं कि बेमन करे, सुचारू पूर्वक जैसा होना चाहिए वैसा, और दिल में 10-20 बार सखू को उसके माँ और उसके पति गालियां देते पीटते, ऐसा आश्चर्य की बात नहीं है। भागमती बाई के लिए भी आया है कि राजा उनके ऊपर बिस्तर लगा के सोता और कोड़ों से मारता, भागमती बाई जिनका यश गाया जाता है। ये भक्तों के जीवन में ऐसे विचित्र विचित्र लीलाएं आती है कि यदि ये साधारण भक्त सुने तो उनको भय लगे कि भक्ति में ऐसा भी होता है क्या। हम तो सुनते थे चकाचक आनंद, छप्पन भोग प्रसाद पावल, यहाँ तो कोड़ों का भोग लग रहा है, यहाँ तो बड़ा क्लेश लग रहा है। अरे ये उन चरम सीमा के भक्तों की बात है जिनका उदाहरण दिया जाता है। अगर बच्चा 5 किलो उठाता है तो पिता 2 कुंतल उठाने के लिए नहीं कहता, अपने लोग जितने लायक है उतने ही प्रभु हमारे साथ व्यवहार करेंगे। श्री सखू भाई अपने सील और स्वभाव को निरंतर प्रभु के चिंतन के अनुसार ऐसा शांत बनाए हुए थी कि चाहे कितना भी प्रतिकार हो, कभी वो सास से लौट कर जवाब नहीं दिया। सास के सामने वो कभी जवाब नहीं खोलती, पति के सामने 2 बूंद आंसू निकालने का अवसर उसके पास नहीं था, क्योंकि पति सास से भी ज्यादा कर्कश था। अधिक क्या निर्दय हृदय पिशाचिनी वो सास सखू को पेट भर भोजन भी न देती, घर में अनेक पदार्थ उससे बनवाती, अच्छे अच्छे पदार्थ पाती और अपने लिए रख लेती आगे के लिए, लेकिन सखू भाई को वही रूखा सूखा बासी पवाती। पुत्र माँ और ससुर तीनों भर पेट पाते, सखू भाई को भर पेट भोजन भी नहीं। इतना होने पर सखू अपने दारुण दुख को श्री भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए आनंदित होकर के सहती। सखू की दशा पर गांव के स्त्री पुरुषों को बहुत तरस आता, पर किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई समझा सके। ब्राह्मणी के डर से कोई सखू से बात भी नहीं कर सकता था। सखू भाई मन ही मन भगवत कृपा का अनुभव करती हुई सोचती, कितने कृपालु हैं श्री कृष्ण, देखो ये भक्त का स्वभाव कितने कृपालु हैं, यदि पति हमसे प्यार करता तो श्री कृष्ण के प्यार में बाधा पड़ जाती, यदि सास हमें प्यार करती, ससुर प्यार करते तो इनमें मन बटता। सखू भाई एकांत होकर यही सोचती, कितने कृपालु श्री कृष्ण है कि हमें ऐसा ऐसा परिवार दिया है कि मेरा मन केवल श्री कृष्ण में लगेगा, इनमें लगेगा ही नहीं, ये कितनी कृपा है। देखो भक्त हर परिस्थिति में आनंदित रहता है, कृपा का अनुभव करता है। यदि श्री कृष्ण की कृपा ना होती तो मैं मोहवश ससुर सास और पति के मोह जाल में फंस जाती, कितनी कृपा हमारे प्रीतम हमारे ऊपर करते हैं। एक दिन किसी पड़ोसी ने अवसर पाकर भाग करके सखू भाई के पास जाके पूछा, बहन इतना कष्ट दिया जाता है और तू कोई उपाय नहीं करती, तेरे नैहर में कोई है नहीं क्या, तू इतना दुख भोगती है, क्या तेरे नैहर वाले कोई खबर कोई ऐसा उपाय करके कि आपको ये कष्ट से बचा ले, कोई है नहीं, ना कोई खबर लेने आता है, ना कोई तुम्हारा सहयोग करता है। सखू ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हूँ मेरा नैहर कहाँ है, कहाँ है, पंडरपुर में, और मेरे नैहर वाले कौन जानते हो, विठल और रुक्मिणी जी, विठल और रुक्मिणी जी, और सखी उनके बहुत बड़ा परिवार है, असंख्य संतानें हैं, हमें लगता है कि वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में भूले हुए हैं, इसलिए मुझ गर्विनी की तरफ वो खोज खबर लेने नहीं आ पा रहे, पर उनकी बहुत कृपा है हमारे ऊपर। अब वो बेचारी पड़ोसनी क्या समझे कि किस दशा में किस भाव में किनको बोल रही है। पंडरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है, यही आषाढ़ शुक्ला एकादशी को बड़ा भारी मेला लगता है, भगवान पंडरीनाथ श्री विठल के दर्शनार्थ लाखों नर नारी दूर दूर से भगवान नाम कीर्तन करते हुए नृत्य करते हुए उत्साह पूर्वक पंडरपुर की यात्रा करते हैं। जब यात्रा का दिन आया, भक्तों की मंडलियां कीर्तन करते हुए पंडरपुर के लिए चारों ओर दल बना बना करके सब नाचते हुए जाने लगे।
कोई मृदंग में करताल में सुंदर भाव विभोर होकर के स्वर निकाल रहे, कोई झांग बजा रहे, कोई नाम घोष कर रहे, कोई नाच रहे, कोई पैरों में घुंघरू बांध करके मतवाले होकर के ताल में ताल मिला रहे, श्री हरि के गुणगान, श्री के हरि के लीला चरित्रों का गान करते हुए भक्तों की मंडली को देख करके सखू भाई के हृदय का बांध टूट गया। विचार किया क्या करूं, हमारे प्रीतम का ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा है, उसमें जाकर के मैं मिल नहीं सकती, इतने यहाँ विरोध है। तो करहार उसके गांव से बड़ी बड़ी मंडलियां जा रही थी, सखू भाई को पानी भरने के लिए कृष्णा नदी में जाना होता था, घड़ा लिया और कृष्णा नदी में जल भरने के बहाने निकली। प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सखू के हृदय में प्रेम उमड़ा और घड़ा वहीं रख दिया। पंडरपुर जाने की प्रबल इच्छा करके भक्तों की मंडली में गई। विचार किया कि अगर सास से पूछेंगे तो पिटाई ही होगी, सास ससुर पति कोई जाने तो देगा नहीं, घड़ा नदी के किनारे रख दिया और भक्तों की मंडली में चली गई। अब सखू भाई संत मंडली में जा रही, पड़ोसी ने देखा, कुछ ऐसे होते हैं जलने वाले, वो बस कुछ लोग ऐसे होते जिनका सीसी कैमरा केवल भक्तों के ऊपर होता है, कब छीका कब पाया कब बैठे कब उठे वो पूरा उनसे पूछ लीजिए, कब कौन सा दोस्त हुआ वो पूरा उनको पता होता है। ऐसे ही वहां भी थे, दौड़ के जाके सास से कहा, अरे देव तेरी बहू संतों के साथ मंडली में भाग गई, वो तो जा रही है। अब सास ने अपने बेटे से कहा कि देख मैं कहती थी वो है दुष्ट, नहीं माना, जा जल्दी जा। अब बड़े बड़े डंडे निकाले सास ले भी पति ले और दौड़ लगाई, जाके देखा तो भक्तों के बीच में उन्मत्त हो रही है सखू भाई, नाम कीर्तन और बड़ा आह्लाद हो रहा है, अपने प्रीतम के दर्शन के लिए विशेष उच्च इच्छुक है। और जैसे जहरीली नागिन फुफकार मारते हुए जाए, वैसे ही लड़के के साथ वो सास वहां से भागती हुई आई, क्रोध में आग बबूला होकर के सब संतों के बीच में जाकर उसके बाल पकड़े घसीट के बाहर लाई, वही डंडा शुरू कर दिया मारना। देखो पानी लेने भेजा था, ये जा रही संतों के साथ जो गालियां देना हो, सब गालियों की पुष्पांजलि सारे रास्ते में बरसती रही और डंडा का भोग लगता रहा सखू भाई के ऊपर। घर में जाकर के डट के पिटाई की तीनों ने मिलकर, सास ने, ससुर ने और पति ने भी। सखू भाई हा विठल हा कृष्ण हा गोविंद, ये देखो महान भक्तों का स्वरूप है, महान भक्तों का चरम अवस्था की भक्ति का ये स्वरूप है। मीरा बाई, करमेती बाई, जितने रत्नावती, जितने बड़े बड़े भक्ति स्वरूपाए सखियां हुई है और जो बड़े बड़े भक्त हुए हैं, इनके जीवन में भगवान ने ऐसी प्रतिकूलता की कृपा की वर्षा की जो साधारण सुनकर कांप जाए। अब सोचो तीनों ने मिलकर डट के पीटा और सास कहती है, अरे अभी ये मामूली मार है, इससे मानने वाली नहीं, ऐसा पीटो कि ये चलने लायक न रहे, नहीं फिर भाग जाएगी, ये फिर पंडरपुर की यात्रा करेगी। और सुनो अभी 2 सप्ताह है पंडरपुर की यात्रा की, इसको जकड़ करके खंभे में बांध दो, बिल्कुल 2 सप्ताह ना रोटी ना पानी और रोज इसकी पिटाई करो, तब ये मानेगी। और सास की आज्ञा हुई और सखू भाई को बांध दिया उनके ससुर ने और पति ने, और पिटाई की, भोजन देना बंद। देखो कितना कष्ट, आप विचार करके जरा उस स्थिति में देखो, एक क्रिश्चियन वाली भगवत भक्ता उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार, मार पिटाई, भोजन नहीं, और बड़ी जोर से रस्सी से बांध दिया गया सखू भाई को, खींच करके बांध दिया गया कि सखू भाई की त्वचा में वो रस्सी धस गई, ऐसे जोर से बांध दिया गया। सखू का शरीर वैसे ही ग्रस्त था क्योंकि खाने पीने को ठीक से मिलता नहीं, दिन भर सेवा, पर उसके मन में कोई दुख नहीं है, उसके हृदय में यह दुख नहीं कि मुझे बांध दिया गया, मुझे मारा गया, मुझे गाली दी गई, ऐसा नहीं। एक हृदय में पीड़ा है कि हे श्री कृष्ण, आपके भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिला, पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने को मिला, आपके दर्शन के लिए मैं जा रही थी, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस जन्म में इस नरक से निकल सकूं। हे करुणानिधान, हे दीनों पर दया करने वाले श्री हरि, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपके दर्शन कर पाऊं इस जन्म में, क्या मैं प्रगट में आपके मंदिर में आकर के आपके भक्तों के बीच में नहीं नाच सकती। सखू भाई आंसू बहाते हुए, हे कृष्णचंद, हे गोपाल, आज मैं तेरे हाथ पिक गई प्यारे,
मोर मुकुट धारण करने वाले, वैजंती माला धारण करने वाले, हे पीतांबरधारी दीन जान करके कुछ ऐसा उपाय करो कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ, अधम हूँ, मेरी सामर्थ्य नहीं मैं आप तक आ सकूं। अपने भक्तों के लिए कच्छ मच्छ वारा सुकर न जाने कौन कौन से अवतार धारण किए, आपके लिए क्या दुर्लभ है। हे प्रभु आप कृपा करो, बहुत सुंदर अवसर, भक्ति की मंडलियां जा रही हैं आपके दर्शन करने के लिए, बार बार अवसर नहीं आएगा। हे नाथ आप कृपा करोगे तभी दर्शन हो सकते हैं। मेरी सामर्थ्य तो है नहीं कि मैं उसके चुंगल से छूट सकूं। सखू भाई श्री हरि का आंतरिक चिंतन कर रही है, श्री हरि को चैन कैसे पड़ सकता है। रुक्मिणी जी ने देखा तो चेहरे में उदासी, बड़ी चिंता, पूछा कि नाथ आपका चिंतन करने से सबकी चिंता खत्म हो जाती है, आप चिंता में कैसे। हमें लगता है जब जब आपके चेहरे पर श्री मुख में चिंता दिखाई देती तो किसी भक्त के लिए, कोई भक्त हमें लगता है कष्ट में है। भगवान ने कहा हाँ एक ऐसी भक्त है, पूछो मत कितना पीटा गया उसको, कितना क्लेश दिया गया, वो हमसे मिलना चाह रही है और उसको बांध दिया गया है। आर्त पुकार से मेरा हृदय जल रहा है, सखू भाई मुझे पुकार रही है। पूरा रहस्य नहीं बताएंगे, थोड़े दिन के लिए तुमको विरह सहना पड़ेगा, क्योंकि ये भक्त ऐसा नहीं कि जाके दर्शन दिया और लौट के आ गए, हमें वहां रहना पड़ेगा कुछ दिन तभी बात बनेगी। रुक्मिणी जी से ऐसा कहा और प्रभु तत्काल जाग गए सखू भाई के समीप, जो बंधी हुई है रस्सी से, न भोजन दिया जा रहा है, ऊपर से गालियां दी जा रही, पिटाई की जा रही है। सोचो कितना कष्ट, आप विचार भी नहीं कर सकते कि कितना कष्ट होगा। ये है प्रेम का स्वरूप, आंखों से अश्रु और प्रभु के ध्यान में निमग्न। इतने में सामने से देखा एक सुंदर नवयुवती है और कह रही सखू भाई सखू भाई तुमको पंडरपुर जाने की बहुत चाह थी। ये वही है जो अभी रुक्मिणी जी से बात करके आ रहे हैं, इनको रखने में कोई भी रूप क्या देर लगता है क्या। बहुत सुंदर नवयुवती का रूप रखा और बोले प्रभु सखू भाई मैंने सुना तुम पंडरपुर जाना चाहती हो, तो सुनो चलोगी हमारे साथ पंडरपुर। सखू भाई ने एक दिमाग खोली, देखा कि कोई प्यार से हमें बोले, यहाँ तो गालियां और डंडा चल रहे हैं। देखा और कहा सखी मुझ पापिनी के भाग्य में ऐसा कहा कि मैं भक्त मंडली के साथ पंडरपुर जाऊं, तुम देख तो रही हो मेरी दशा। स्त्री रूपी श्री ठाकुर जी ने कहा भाई तुम जानती नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत समय से जानती हूँ, तुम हमारी बहुत प्रिय सखी हो, तुम भले हमें ना पहचानो मैं जानती हूँ तुम्हें, बहुत जानती हूँ, उदास मत हो, जिसकी मैं सखी होती हूँ उसको कभी उदास मैं नहीं देख सकती। सखू भाई क्या समझे कि ये कौन से है, प्रभु कौन सा रूप धारण करने वाले है। देखो मैं तुम्हें छोड़ती हूँ और तुम भागो और जाओ मंडली के साथ। बोले हमारे सास भी पकड़ लेगी। बोले बिल्कुल ले, इसकी तो तुम चिंता ही मत करो। जल्दी जल्दी सखू भाई को जो ठाकुर जी युवती रूप में गए थे छोड़ दिया। सखू भाई को छोड़ा तो सखू भाई निकले, आप सखू भाई होकर रस्सी में बंध गए। आप ठाकुर जी सखू भाई का रूप धारण किया और सखू भाई के बदले में आप जैसे सखू भाई बंधी थी वैसे ही बंध गए ठाकुर जी। देखो कितनी सामर्थ्य है इनकी, लेकिन अगर भक्त इनके लिए बंधता है तो भक्ति के लिए बंध सकते हैं, ये दिखा रहे हैं प्रभु। अब ऐसा नहीं कि सखू भाई की पिटाई होती थी इनकी पिटाई नहीं होती, इनकी भी हो रही क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि भगवान है। भगवान सखू भाई के रूप में बंध गए, प्रेम पास में बंधे हुए ठाकुर जी, जैसा रूप सखू भाई का, जैसा पतला शरीर, जैसे कपड़े, जैसे बंधी थी बिल्कुल वैसे बंध गए। जिनका नाम स्मरण करने से माया का वो बंधन टूट जाता है जो बड़े बड़े योगियों के लिए छोड़ना दुर्लभ है, वही सच्चिदानंद भगवान अपने भक्ति के लिए एक साधारण स्त्री की तरह बंध गए अपने भक्ता सखू भाई के लिए। अब सखू भाई बड़े आनंदित होकर के भाग्यवान तो भक्तों की मंडलियां जा ही रही थी, भक्त मंडली में कीर्तन करते हुए वो श्री ठाकुर जी के दर्शन के लिए। सखू भाई बने जगन्नाथ, समस्त लोगों का पोषण करने वाले श्री विठल भगवान उसी में बने। अर्स निर्दयी सास आती है और जाएगी पंडरपुर, और दो चार चाटे ठाकुर जी चुपचाप चाटे खा रहे हैं। सर्व सामर्थ्य ये कोई न समझे कि ठाकुर जी के होकर के भक्त पीट रहे हैं तो भक्त के होकर प्रभु भी पीट रहे हैं। देख लो
सखुवाई की जगह ठाकुर जी बने, सास आती गालियां देती थप्पड़ मारती है, ससुर आता है वो गालियां देती। अब आई लाइफ, कई दिन हो गए भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला, रोज पिटाई। अखिल लोक सामर्थशाली प्रभु पिट रहे लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। सखुवाई की तरह प्रभु सुशीला वधु की तरह आंसू बहाते हैं। 15 दिन बीत गए बंधे बंधे, जहां रोज बाल भोग और राज भोग और शयन भोग, वहां कोई भोग नहीं, रोज डंडा और गालियां खा रहे हैं। सास ससुर का मन इतने पर भी नहीं पसीजा, परंतु सखुबाई के पति के मन में विचार आया कि पूरे 2 सप्ताह हो गए, एक बूंद जल नहीं, कोई भी एक कण अन्न नहीं दिया गया। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पत्नी बंधे बंधे मर जाए तो हमको हमारा दोबारा ब्याह तो होगा नहीं, क्योंकि पूरा गांव नगर जानता है कि हम कितने सभ्य है। इसलिए सोचा, वो सखुबाई के ऊपर दया लगी, अपनी गृहस्थी के लिए उसने सोचा कि अब सखुबाई को कुछ खिलाना पिलाना। हमें तो लगता है कि इनको राह ले गया तो पति के हृदय में प्रेरणा कर दी, यार इतने दिल हो गए बाली भी नहीं मिला तो इसी बाले पिलाओ आके। अब उसका पति बहुत प्यार करके गया, और जो ठाकुर जी सखुबाई बने हुए बंधे थे, ठाकुर जी के समीप जाकर के उसने दुलार किया और सखु रूपी भगवान के मुख पे हाथ फिरता हुआ कह रहा, तुम्हें बहुत कष्ट दिया गया, बहुत कुरता तुम्हारे ऊपर की गई, सारे बंधन खोला और एकांत में ले जाकर बहुत प्यार किया, सुंदर जल पिलाया, भोजन पाया, और कह रहा है कि देखो अब मैं क्या करूं, मेरे माता पिता इतने, ये आज तो दया की बात आ रही ना, वो इन्हीं के लिए आ रही, सखुबाई के ऊपर कभी नहीं आई दया, ये तो ठाकुर जी लीला बिहारी है। ऐसा भव बंधन का नाश करने वाले अनंत आनंद के समुद्र ठाकुर जी ठीक एक पतिव्रता की तरह ही चेष्टा कर रहे सखुबाई के पति से। ऐसा नहीं कि कोई भगवत्ता प्रकट करे, जैसे जैसे वो प्यार दिखाए वैसे हाथ जोड़े, बिल्कुल जैसे सखुबाई वैसे ही नम्रता से। प्रभु ने सोचा कि यदि मैं जरा सी भी कोई चेष्टा बदलूंगा तो हमारे भक्ति में बाधा पड़ जाएगी, क्या जो सखुबाई हमारे प्रेम में मगन होकर जा रही है उसके प्रेम में बाधा हो जाएगी। इसलिए भक्त के जीवन में जो भक्ति का अद्भुत उन्माद है उसमें बाधा न पड़े। ठाकुर जी के वो गाल में हाथ फेर रहा है तो समस्त लोग चूड़ामणि प्रभु ऐसे विषय है, चुप है, पास है। अब वो कह रहा है देखो हम तुमको खोल के लाए, हमारे पैर दाबो। तो सखुबाई बले हुए ठाकुर जी धीरे धीरे उसके पैर दाब रहे। आप देख लो हमारे प्रभु का प्यार, देखो कितना प्यार करते हैं अपने जनों से। पग चापू और सेज बिछाऊ, नौकर बनू हजाम, हाकू बैल बनो गढ़वारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुट मणि। पति की आज्ञा के अनुसार सखुबाई रूपी श्री भगवान ने स्नान किया, सुंदर रसोई बनाई और सास ससुर को पवाया। देख लो 56 भोग पाले वाले स्वयं रसोई में चूल्हा फूक रहे, भोजन बना रहे, सास ससुर को बैठा के पवाया और पति को भी पवाया। तीनों आज बहुत प्यार उदय हो रहा है भोजन पाने के बाद, और अपनी बहू की तरफ सास भी बड़ी प्यार दृष्टि से पहली बार देखा, क्योंकि अब ठाकुर जी के हाथ का बना हुआ गया है तो प्रभाव तो पड़ेगा ही। और पति ने जो प्यार की दृष्टि से देखा वैसा प्यार तो कभी सखुबाई को नहीं मिला। माता पिता और पुत्र सराहना कर रहे कि बहू जीवन में ऐसा भोजन नहीं मिला जैसा आज तू बना के पवा रही। ठाकुर जी भी मुस्कुराते जा रहे अंदर कि तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी बहू कौन बना हुआ है। ठाकुर जी पुत्र वधु के रूप में स्वयं अपने हाथ से सब पात्र माने रसोई पवित्र की, और वो जो पति बने हुए सखुबाई के हैं उन्होंने सखुबाई को आज बहुत प्यार किया। अब जैसे पत्नी को प्यार करते वैसे कि अब यहाँ कोई रास विलास वाली बात तो है नहीं, घर गृहस्थी की बात है। ठाकुर जी बिल्कुल एक साथी पत्नी की देख लो क्या कर सकते हो अपने भक्ति के लिए, क्या नहीं कर सकते, दोनों बातों पर विचार करके देखो कितने महान होते हुए आप चाहते तो अपना ऐश्वर्य प्रकट कर सकते थे, लेकिन नहीं, पैर दाब रहे, बर्तन मांज रहे, रसोई बना रहे, पवा रहे, जैसा पति आज्ञा करता है वैसा सेवा कर रहे, बर्तन मांजना, चौका देना, सास के पैर दबाना, सारे कार्य बड़ी चतुरता पूर्वक चतुर चूड़ामणि श्री ठाकुर जी महाराज कर रहे। जो स्त्री पुरुष समस्त चराचर जगत के स्वामी है, जो भी संसार देख रहे हैं, इसके रचयिता, इसके
पालन करने वाले, इसको लय करने वाले अनंत सामर्थ्यशाली प्रभु है। एक साधारण बहू की तरह सखुबाई के रूप में सेवा कर रहे हैं। सखु रूपी भगवान अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास, ससुर तीनों के स्वभाव को बदल दिया। तीनों बहुत प्यार करने लगे सखुबाई रूप श्री भगवान से। अब तो बड़ा घर में आनंद है, विलक्षण परिवर्तन उस घर में। पड़ोसी देखते हैं कि अब तो कोई मारपीट नहीं, कोई कोलाहल नहीं, बड़ा शांति। सोचा कि भगवान की कृपा हो गई। और उधर सखुबाई पंडरपुर पहुंच करके नाम कीर्तन करते हुए उन्मत्त नाच रही है प्रभु के प्रेम में। वो इस बात को भूल गई कि हमारी जगह कोई और सखी बंधी हुई है। प्रभु ने तो यही कहा कि तुम दर्शन करके आ जाओ, तब तक हम बंधी हुई है। उनको सब भूल गया, गई पंडरपुर में दर्शन के, खूब नृत्य करके उन्मत्त होकर के आनंदित हो रही है। अब भक्त गण हाथों में निशान लिए हुए ताल मृदंग झांझ बजाते हुए नाम घोष करते हुए नृत्य कर रहे हैं। गरीब अमीर ब्राह्मण शूद्र का कोई भेद नहीं, सब मंडलियों में उन्मत्त नृत्य हो रहा, भगवान नाम का जय घोष हो रहा है। आकाश में गूंज मच रही, ऐसे नाम घोष हो रहा है। आनंद रस में विभोर हुई सखुबाई चंद्रभागा में स्नान करके पंडरीनाथ जी के दर्शन करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। मंदिर में जाकर श्री हरि के दर्शन करके आनंद सिंध में डूब गई। प्रभु की वो श्याम मनोहर मूर्ति, वो दिव्य पीतांबर धारण किए हुए सुंदर स्त्री, आज प्रभु की मूर्ति थोड़ी दिखाई दे रही, साक्षात प्रभु दिखाई दे रहे हैं। कानों में दिव्य मकराक कुंडल, सुंदर अनंत कामों का भी जो सौंदर्य फीका कर देने वाला उनका लावण्य, वक्षा स्थल पर नवीन सुगंधित पुष्पमाला, तुलसी की माला धारण किए हुए और भ्रकुटी का संचालन करते हुए सखुबाई को मुग्ध कर रहे हैं। त्रिताप सदा के लिए जिनके नाम स्मरण करने से ही शांत हो जाता है, उनका रूप देख करके सखुबाई सुध-बुध भूल गई। ऐसा मन लगा कि उसने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंडरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। उधर ठाकुर जी बंधे हुए, जो छोड़ा था सखुबाई को, जो बंधे हुए थे वो खोल करके वहां बहु रूप में चौका लीप रहे, बर्तन मांज रहे हैं, रसोई अमलिया कर रहे हैं। यहाँ सखुबाई ने प्रण कर लिया, जब तक शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंडरपुर को नहीं छोड़ूंगी, सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। उसे क्या पता कि मेरे बदले में आप पंडरीनाथ ही वहां बंधे हुए हैं। प्रेम मुग्धा सखुबाई पांडुरंग के ध्यान में संलग्न हो गई। अंत में अष्ट सात्विक भाव में अंतिम भाव का उदय हुआ, जिसमें सखुबाई के प्राण इस शरीर को छोड़कर निकल गए। इतना रूप प्रभु का ऐसा है, अपने लोग कहते हैं दर्शन क्यों नहीं देते। अरे प्रभु की भक्ति करते करते, सहते सहते अनुकूलता प्रतिकूलता, सहते सहते द्वंद्वों को सहते सहते हृदय इतना मजबूत हो जाता है, थोड़ा थोड़ा प्रेम विकार को सहने के लायक होता है। अगर इकट्ठे प्रभु का दर्शन हो जाए तो हृदय फट जाए। जैसा सुनते हैं कि सेवा कुंज में अगर कोई रात में रुके तो ऐसा वो ऐसा हो जाता है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि श्यामा श्याम के एकदम रूप को कोई देखे तो हृदय की गति रुक ही जाएगी। सखुबाई के सामने वो स्वरूप प्रकट हुआ कि सखुबाई विवल विकल हो गई और भगवान के सौंदर्य के दर्शन में इतना मुक्त हो गई कि उसके प्राण छूट गए। अब दैव संयोग से यात्रा करने को आए हुए करहार के निकटवर्ती किवल नामक गांव का एक ब्राह्मण उस मंडली में आया हुआ था। उसने सखुबाई की लाश को देखा कि सखुबाई तो पधार गई, साथियों को बुलाया और सबने मिलकर के सखुबाई के शरीर की अंत्येष्टि क्रिया की, अंत्येष्टि संस्कार किया। और इधर रुक्मिणी जी ने विचार किया कि खूब रही बात, हमसे तो कह के गए कि कुछ ही दिनों में आ रहे, आज तक वापस नहीं आए। फिर ध्यान दे के देखा कि जिसके लिए गए उसने तो शरीर छोड़ दिया, शरीर का संस्कार भी हो गया। अब हमारे प्रभु को तो बहुबल के वहां रहना ही पड़ेगा। अब रुक्मिणी जी को बड़ी चिंता हुई, विचार किया रुक्मिणी जी ने, फिर श्मशान पहुंची। सखुबाई की जो राख वगैरह थोड़ी मोटी हड्डी वगैरह थी उनको एकत्रित किया और प्रेम दृष्टि से देखा तो सखुबाई जीवित हो गई। अब महामाया है, महाशक्ति, इनके लिए क्या, माया देवी के प्रताप से एक क्षण में समस्त ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है। आदि शक्ति जय जग उपजाया, एक क्षण में सृष्टि का सृजन करने वाली, उनके लिए सखुबाई को जिंदा कर देना क्या कोई आश्चर्य की बात। सखुबाई जीवित हो गई। सखुबाई को ऐसा लगा जैसे मैं कोई गाढ़ निद्रा में सो गई थी और जग गई।
रात को स्वप्न में जो रुक्मिणी जी ने उन्होंने कहा कि देखो पुत्री तेरा प्राण रह गया, तूने कहा था इस शरीर में जब तक प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी, वो शरीर तो तेरा जल गया, अब मैंने दूसरा तेरा तेरे को शरीर दिया है सखू भाई के रूप में, लेकिन तेरा भी प्राण पूरा हो गया क्योंकि पहले वाला शरीर जल गया, अब ये दूसरा जो दे दिया है तू सीधे लौट के जाओ, हमारे प्रीतम तेरे रूप में वहां है, उनको छोड़ तू जाके वहां रहे। आदेश पाकर के सखू भाई ने प्रणाम किया और आनंद मगन होकर के, अब वो बात थोड़ी है, अब तो चिदानंद में भाव में निमग्न है। दो दिन में यात्रियों के साथ करहार लौट के आई, सखू का आना जान करके सखू वेशधारी भगवान पंडरीनाथ जो वहां बहु रूप में थे उन्होंने सोचा गड़बड़ हो जाएगा, अगर वो यहाँ आई हम भी आ रहे हैं तो पिटले में कोई संशय रहेगा नहीं। ठाकुर जी ने तत्काल सास से कहा कि हम पानी लेने जा रही हैं और घड़ा लिया, घाट पर आई और पूर्व परिचित सखी का वेश धारण करके सखू भाई से मिली, जो सखू भाई आ रही थी उन्हें देखते ही सखू भाई को सारी बातें याद आ गई, दौड़ करके हृदय से लगाया और बोले सखी तेरी कृपा से मुझे पंढरपुर में जाने को मिला, मुझे मेरे ठाकुर के दर्शन हुए, चरणों को पकड़ लिया, बहन तुम्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ा होगा मेरी जगह। ठाकुर जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम सुखी हो गई ना, बोले हाँ, बोले अब चिंता की बात नहीं है, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, यदि तुम्हें सुख मिला तो हर कष्ट हमारे लिए सुखमय है, तू ये घड़ा ले इसमें जल भर और तू जा। सखू भाई ने घड़ा भरा जल लेकर के गई, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, सखू भाई घड़ा उठाकर घर पहुंची और स्वाभाविक अपने काम में लग गई। सास ससुर और स्वामी के बदले हुए स्वभाव को देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा सखू भाई को कि इतना प्यार मिल रहा है। दूसरे दिन वो केवल गांव का ब्राह्मण जिसने सखू भाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया था वो करहार आया और उसने सखू भाई के घर पहुंच करके कहा कि भाई हम एक खबर देने आए हैं, तुम्हारी बहू गई हुई थी पंढरपुर और वहां ठाकुर जी के दर्शन करके उसके प्राण निकल गए, तो हमने पहचाना।